देवर क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र देते हुए गांव के ही रहने वाले व्यक्तियों पर खेत की मेड़ तोड़े जाने का आरोप लगाया है और झूठे मामले में फंसाए जाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पूरा मामला थाना बेबर क्षेत्र के ग्राम सराय मद्दू से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले जावित्री पुत्र मोहन ने थाने पर शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि इनका एक खेत है जिस पर वह कब्जा धारक है और लंबे समय से उसमें फसल की बुवाई करता है। गांव के ही रहने वाले अखिलेश कुमार पुत्र विश्वनाथ ने उसके खेत की मेड़ तोड़ दी है और उसके खेत पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसे हरदिन एक्ट के मामले में झूठा फंसाने की धमकी दी, साथ ही उसके साथ गाली गलौज किया है। पीड़ित ने थाने पर तहरे देते हुए न्याय की मांग की है और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। मैं सराय मद्दू का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आशीष है, मेरे पिता का नाम श्री लाला राम है। मैंने लेखपाल द्वारा पैमाइश कराई हुई थी 2 साल पहले, तो मेरे आधे खेत की मेड़ तोड़कर गाँव के जो जाटक लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति ने, अखिलेश सनौत विश्वनाथ ने, मतलब मेड़ तोड़कर आधा खेत मेरा जोत लिया है। और 5 तारीख को मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने ये बोला था कि मैं चौकी पर भेज दूंगा और आज 9 तारीख हो गई है, आज तक मेरे घर पे ना पुलिस गई है ना वहाँ से कोई कॉल भी आई है, मेरा नंबर भी लगा हुआ है। तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की सर, पुलिस बिल्कुल शांत है।